been mentioned under section 320 of CRPC, that is Criminal Procedure Code. Now, what is compoundable offences? Basically, jin offences ko we can compromise, or in a very common or layman language, hum kehte hain ki out of the court settlement, where a compromise can take place, that is called compoundable offences. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें जब कोई वो ऑफेंस हो जाता है तो उसमें उस वक्त हमें गुस्सा भी आ जाता है या उस वक्त हमें लगता है कि इसे सामने वाले को पनिशमेंट होनी ही चाहिए और हम FIR लिखवा देते हैं. और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें बाद में लगता है कि शायद ये चीज़ सेटलमेंट से हो जाएगी पूरी, या हमें ये जो FIR है ये वापस ले लेना चाहिए और केस इतना सीरियस भी नहीं होता है. सो बेसिकली आंसर यही लाई करता है दैट कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस विच आर नॉट वेरी सीरियस इन नेचर, वेयर एनीथिंग कैन बी सेटल्ड और कॉम्प्रोमाइज कैन बी डन आउट ऑफ द कोर्ट. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जब हम आउट ऑफ द कोर्ट कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर compoundable offences. And there are non-compoundable offences which are basically very serious in nature, जहाँ पर हम out of court settlement नहीं करा सकते हैं या हम किसी भी तरीके का compromise में नहीं जा सकते हैं. जैसे कि अगर हम कहें murder, rape, dacoity, these are very serious kind of offences. अब अगर आप बोलो कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और उसने उसके खिलाफ़ FIR भी लिखवा दी और उसके बाद वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम FIR वापस लेना चाहते हैं, तो दिस कैन नॉट बी डन बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस इन नेचर. सो दीज आर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज. सो अंडर सेक्शन 320 ऑफ CRPC द लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेज हैज़ बीन मैंशनड. एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें यह बताया गया है कि वॉट आर द कंपाउंडेबल ऑफेंसेज एंड एवरीथिंग हैज़ बीन मैंशनड अंडर दैट पर्टिकुलर लिस्ट. सो बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड एंड रीड द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 320 ऑफ CRPC. सेक्शन 320 ऑफ CRPC स्टेट्स दैट कंपाउंडेबल ऑफेंसेज आर दोज ऑफेंसेज वेयर द कंप्लेनेंट, that means one who has filed the case, that is victim, enter into a compromise and agrees to have the charge dropped against the accused. However, it is necessary to understand that such compromise should be bona fide and not for any consideration to which the complainant is not entitled to. मतलब सीधा है that compoundable offences are those where any person ready to take that particular case. Definitely they are not serious in nature. Now again there are two things. Even if you want to do a compromise, मतलब जो victim है वो accused के साथ compromise करना चाहता है और वो अपना केस जो है वो वापस लेना चाहता है, लेकिन उसके बाद भी देर आर टू थिंग्स विच इज़ नेसेसरी टू बी अंडरस्टैंड. द फर्स्ट थिंग इज़ कुछ एक ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें कोर्ट को बताना पड़ता है दैट ये पर्टिकुलर जो ऑफेंस है इसको हम कंपाउंडेबल कर रहे हैं, यानी हमने इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है. और कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं, कुछ एक ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें अगर हम कोर्ट को नहीं भी बताते हैं, सिर्फ पुलिस तक ही वो बात है और हमने वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, तो फिर वो केस जो है हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं. तो दैट मीन्स टू कैटेगरीज वेयर इट इज़ नेसेसरी टू इन्फॉर्म द कोर्ट एंड देयर आर कंपाउंडेबल केसेस वेयर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इन्फॉर्म द कोर्ट. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द टेबल जिसमें ये मेंशन किया गया है व्हाट आर द कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वेयर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेक द परमिशन ऑफ अ कोर्ट व्हेन यू आर इन अ कॉम्प्रोमाइज़. अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो आपको कोर्ट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ये डेफिनेटली दीज टाइप ऑफ ऑफेंसेज आर नॉट वेरी सीरियस इन नेचर, दैट्स वाई यू कैन कॉम्प्रोमाइज़ विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द कोर्ट. So the first one is uttering words etc. with deliberate intent to wound the religious feeling of any person. Second is voluntarily causing hurt. Third is wrongfully restraining or wrongfully confining any person. Third, assault or use of criminal force. Fourth, theft. Then dishonest misappropriation of property. Then criminal breach of trust by carrier, ware finger etc. Then dishonestly receiving stolen property, knowing it to be stolen, then cheating, then fraudulent removal or concealment of property, then mischief, when the only loss or damage caused is losing or damaged to a private person, then criminal trespass,
then house trespass, then using a false trade or property marks, then adultery, then defamation. तो जो टेबल मैंने अभी बताई है उस टेबल में बेसिकली वो सारे ऑफेंसेस हैं जिसमें हम कोर्ट को बिना बताए भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं. और आपने जैसा कि देखा कि दोज पर्टिकुलर ऑफेंसेस आर नॉट वेरी सीरियस इन नेचर. और कौन लोग उसको कंपाउंडेबल कर सकते हैं या कौन लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली जो विक्टिम है जिसके साथ वो चीज़ हुई है वो ही कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है. अब कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि किसी माइनर के साथ अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो क्या माइनर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है? तो आंसर है कि माइनर खुद तो नहीं, लेकिन हाँ उसके जो गार्जियन हैं वो अगर चाहें और उनको अगर सही लगता है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं. तो ये कुछ ऐसे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस थे जहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ तब कर सकते हैं जब हमें कोर्ट में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अब हम बात करते हैं उन केसेस की जहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ तो कर सकते हैं बट दे आर प्रिटी और मोर सीरियस इन नेचर. दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी टू इन्फॉर्म कोर्ट. Now those compoundable offences where it is necessary to inform court are causing miscarriage, then voluntary causing grievous hurt, then assault or criminal force in attempting wrongfully to confine a person, then theft by clerk or servant of property in possession of master, then criminal breach of trust, then marrying again during the lifetime of a husband or wife. Then defamation against the president or the vice president or the governor of the state or the administrator of a union territory or minister in respect of his public functions when instituted upon the complainant made by the public prosecutor. Then uttering words or sounds or making gesture or exhibiting any object intending to insult the modesty of a woman or intruding upon the privacy of a woman. What is the result of those compoundable offense? जब ये क्योंकि एफ आई आर तो हो गई थी और उसके बाद आपने ये सारी कॉम्प्रोमाइज़ करी तो हम उसका रिजल्ट क्या माने कि मतलब बेसिकली क्या है वो चीज़? बेसिकली ये है विच हैज़ बीन मैंशन अंडर सब सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी कि उस पर्टिकुलर चीज़ में हम ये मानते हैं कि देयर इज़ एन एक्विटल ऑफ दैट पर्टिकुलर अक्यूज्ड. मतलब जिस अक्यूज़ के खिलाफ आपने ये एफआईआर दर्ज कराई थी अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है और वो चीज़ ख़त्म हो गई है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्विटल. मतलब वो उसको सज़ा नहीं दी जा सकती. विच इज़ सो दैट्स ऑल अबाउट कंपाउंडेबल ऑफेंसेज. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें बिकॉज यही छोटी छोटी चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं नए वीडियोज़ बनाने में. मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब लिख के बताते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या केसेज हैं जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ. तो मुझे मोटिवेट करते रहिए और मैं वीडियो बनाती रहूँगी. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. सी यू सून. टेक केयर. बाय बाय.